देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से पूरे देश में जनता की आंख में चमक है। जीएसटी विड्रॉ करनी पड़ी। शुरू से राहुल गांधी कह रहे हैं कि गब्बर सिंह टैक्स है ये जीएसटी, तो जीएसटी से पूरा देश हिल गया। जब आटे दाल चावल पर टैक्स लग जाए, मखाने और मुरमुरे पर टैक्स लग जाए, पराठे पर टैक्स लग जाए, तो कुछ बाकी बचाए गया? महंगाई के विरोध में पूरा देश खड़ा है। जब जब कांग्रेस आती है तो महंगाई कम होती है, गरीबी से मुक्ति मिलती है, योजनाएं आती है, डायरेक्ट पब्लिक को रिलीफ मिलता है। तो अब मेरा ये मानना है कि हम तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जरिए घर घर तक पहुंचेंगे। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से पूरे देश में जनता की आंख में चमक है। राहुल गांधी यात्रा जिस ढंग से सफल हुई, उस ढंग से जैसे विड्रॉ करना पड़ा, केंद्र सरकार ने जीएसटी विड्रॉ की, किराएदार से 18% जीएसटी लगती थी, 10,000 रुपए 1800 रुपए, तो कई चीजों पर इनको जीएसटी विड्रॉ करनी पड़ी। शुरू से राहुल गांधी कह रहे हैं कि गब्बर सिंह टैक्स है ये जीएसटी, तो जीएसटी से पूरा देश हिल गया। जब आटे दाल चावल पर टैक्स लग जाए, मखाने और मुरमुरे पर टैक्स लग जाए, पराठे पर टैक्स लग जाए, तो कुछ बाकी बचाए गया? लेकिन इसके बाद अब आप विड्रॉ करना शुरू किया क्योंकि आपको लगने लगा है कि महंगाई का रिएक्शन है। अभी जितने भी सर्वे आ रहे हैं उसमें महंगाई के विरोध में पूरा देश खड़ा है। जब जब कांग्रेस आती है तो महंगाई कम होती है, गरीबी से मुक्ति मिलती है, योजनाएं आती है, डायरेक्ट पब्लिक को रिलीफ मिलता है। तो अब मेरा ये मानना है कि हम तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जरिए घर घर तक पहुंचेंगे। राजस्थान की कांग्रेस सरकार की योजनाएं बड़ी जोरदार है। सब इस बात को जानते हैं कि हमारी चिरंजीवी मेडिकल योजना जो है, जिसमें 10 लाख तक का इलाज फ्री है, वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में मॉडल बन गई। प्राइवेट अस्पताल में 10 लाख तक का इलाज फ्री, सरकारी अस्पताल में तो सब कुछ फ्री है। तो हमारी एक एक योजना बोलती है, 38 लाख घरों में राजस्थान में जीरो बिल आता है। तो राजस्थान में एमएलए को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, एमपी को भी 5 करोड़ रुपए मिलते हैं लोकसभा में जो जीत कर जाता है। तो राजस्थान तो जनकल्याण और विकास का एक मॉडल बन गया। तो ये मानकर चलिए कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत बड़ा प्रोग्राम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने दिया है, जिसमें घर घर तक पहुंचना है और हाथ से हाथ जोड़ना, एक दूसरे को हाथ जोड़ते हुए हमारे योजनाएं लेकर जाएंगे। हमारी जो योजनाएं अच्छी है राजस्थान की, और राहुल गांधी का संदेश लेकर जाएंगे। संदेश एक ही है कि जो लोग सत्ता में आ गए लेकिन देश की जनता के साथ धोखा किया, जिन लोगों ने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए केंद्र की बीजेपी की सरकार ने, तो अब बीजेपी की सरकार जवाब दे। 25 MP राजस्थान से जीत कर गए, वो 25 MP फेल हो गए, कुछ भी नहीं कर पाए। ERCP योजना की तो हालत ये है कि आज 13 जिलों को पानी मिलना है, लेकिन केंद्र सरकार लेकर बैठ गया प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद। अब ये जो मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना था उस पर कुछ किया नहीं, तो अब हिसाब किताब का वक्त आ गया। तो हम तो जा रहे हैं, हमारी योजनाएं वहां तक पहुंचाएंगे, राहुल गांधी जी का संदेश पहुंचाएंगे, और केंद्र सरकार ने जो धोखा किया उसको लेकर भी लोगों के बीच में जाकर हिसाब किताब करेंगे। ये हमें पक्की उम्मीद है कि केंद्र सरकार जिस तरह से महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर देश की जनता के साथ धोखा किया है, उस हिसाब से हम राजस्थान में वापस 2023 में सरकार बनाएंगे।